यहाँ पे देखिए, अगर ये चारों ए दिख रहा है ना, तो मतलब कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या टिकट सेम एयरलाइन से कटी है। तो चार टिकट कटी है तो चार एयर ए आ रहा है, अमेरिकन लाइन्स, अमेरिकन लाइन्स, राइट। इसका मतलब है कि है ए ट्रू आएगा, राइट। लेकिन मान लीजिए कि दो टिकट अमेरिकन लाइन से कटा है और बाकी जो है जेट एयरवेल से कटा है, जेटी से कटा है, ठीक है। मान लीजिए जेटी कॉमा जेटी, ए फॉल्स होगा। अगर सारे के सारे अमेरिकन लाइन्स होते या सारे के सारे जेटी होते, समझे। समझ में आया आपको? हाँ सर, तो इसके लिए कुछ नहीं करना था, हम हमें इतना पता है कि दो डिजिट का, राइट। हमें क्या पता है? अमेरिकन लाइंस दो डिजिट का है, एक कंफर्म है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला लगाते हैं लेफ्ट का, इसमें से दो डिजिट को अलग करते, ठीक है, समझ गए। अब अलग करने के बाद मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाता और इसके अंदर इसको ब्लैंक से रिप्लेस कर देता। फिर वापस सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके कॉमा को भी ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे और फिर इसका लेन का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? लेन का। लेंथ जीरो है, इसका मतलब कि सेम एयरलाइंस है। लेंथ जीरो नहीं है, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर बीच में मान लीजिए कि एयर डेक्कन घुस गया, एडी घुस गया, एयर डेक्कन घुस गया, राइट। ये आएगा टू, इसका मतलब कि गलत है। तो ट्रू फॉल्स करने के लिए आप ग्रेटर देन जीरो, अगर इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको नहीं आता था? क्या लेफ्ट नहीं आता था, क्या सब्स्टिट्यूट नहीं आता था, क्या लेन नहीं आता था? तीनों ही बताया हुआ फॉर्मूला आपका सर, लेकिन इस वे में होगा वैसे नहीं सोच पाए। मैम यही तो ये समझना तरीका है है ना, क्योंकि कोई टीचर आपको फॉर्मूला बता सकता है ना, जी और इस तरह के दो चार पांच तरीके बता सकता है, लेकिन जी आपके ऑफिस में ये तो नहीं आएगा ना। आपके बॉस मेल करके बोलेंगे, प्रशंसा एक काम करो, तुम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आके फाइल भेज दो। वो तो आपको एक प्रॉब्लम देंगे, अब उस प्रॉब्लम को यूटिलाइज करना आप पे डिपेंड करता है। सर, अगर इसमें ठीक है, एक एडी आ गया करके हमने गलत लग गया, पर नंबर ऑफ एडी कितने बार आया वो कैसे जानेंगे? नंबर ऑफ एडी कितना बड़ा है, सेम तरीका लगेगा। मतलब प्लीज बताइए। आपको ये पता करना है कि इसके अंदर मान लीजिए कोई एयरलाइंस कितना बार है, ये पता करना चाहते हैं ना आप। हाँ जी, मान लीजिए मुझे ए ए को पता करना है, तो सेम होगा, मैं यहां पे लेन का फॉर्मूला लगाऊंगा, लेंथ ले लिया, फिर वापस मैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, ये तो बताया था आई थिंक आपको लास्ट क्लास में। और इसके अंदर जी ए ए को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से और फिर इसकी लेन निकाल दी। तो जब ए था तो 11 करेक्टर था, जब ए नहीं है तो 5 करेक्टर है, कितने ए हुए? तो ये हमारा 6 हुआ, तो 6 करेक्टर हुआ। या फिर सबसे अच्छा तो एक चीज ये है कि आप कॉमा भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप कॉमा अगर ढूंढेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कॉमा से सेपरेट है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लेन का फॉर्मूला लगाऊंगा, लेन फॉर्मूले, सो लेफ्ट लग गया, लेन लेन फॉर्मूले लगाया, 11 आया, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया और इसको सेलेक्ट करके मैं कॉमा दे, नहीं कॉमा तो ए नहीं देगा ना, यहाँ ए ही होगा, माफ कीजिएगा, ए ए ब्लैंक।
और फिर यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला लेन का। अब इसमें से हम 11 में से माइनस 6 कर देंगे तो 6 आया, और 6 जो आया उसको डिवाइड बाय हमने 2 कर देना है 3। उसमें ए बढ़ा दीजिए ना सर जस्ट। अच्छा हाँ बड़ा ही है क्योंकि इसके सेंसिटिव होता है। सारे इवेंट इसके आसपास में कोई स्पेस वगैरह नहीं ना है, स्पेस वगैरह होगा तो दिक्कत होगा नहीं। तो ए ए तो यहाँ पे 2 4 6 हाँ 3 ही तो सही तो है रिजल्ट, मैं कंफ्यूज हो रहा था। नहीं नहीं मैं बोला कि ए बढ़ा के देखेंगे तो उतना आता है कि नहीं एडिशनली ऐसा मैं बोला। हाँ दीजिए हाँ उसके आगे एडी के आगे हाँ कहीं भी हाँ तो फार्मूला करेक्ट। हाँ सिमिलर वे में एडी को ढूंढेंगे तो वहां पे उस टाइप से आ जाएगा, कॉमा लगे कि एडी लगा दिया और एडी का फॉर्मूला जी। इसमें जो सर डिवाइडेड बाय 3 है ये क्या मैटर है? डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, 3 नहीं, 2 3 नहीं है, 2 है, 2 मतलब दो अक्षर डबल लेटर है। इसे तो कंप्लीट लेटर बता दिया ना, 6 लेटर। अब ए और जो हमारा एयरलाइंस कोड है तो 2 लेटर में है ना, तो 6 टोटल 6 लेटर आया मतलब कि 3 एयरलाइंस आया। ओके सर समझ गए? यस सर गॉट इट डाउट। अब चलिए सेपरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं सीखते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे सुजीत कुमार लिखा राइट, और मुझे इसमें से सुजीत अलग करना है कुमार अलग करना है, तो आप बोलेंगे सर मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगा देता हूँ और मैं कर देता हूँ 5 अलग हो जाएगा, 5 में 6। और यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 5 अलग। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कई सारे ईमेल आईडी है kumar@iptindia.com, यहाँ पे ऐसे ही और भी बहुत सारे, मुझे साइट को अलग करना है और नेम को अलग करना है, मतलब साइट अलग करना है और आईडी अलग करना है। तो यहां मैं फाइंड का फॉर्मूला लूंगा, किसका लूंगा फॉर्मूला फाइंड का, और एट द रेट को फाइंड करूंगा इसके अंदर, और यहां पे हम कर देते स्टार्ट नंबर 1 आ गया 6। तो 6 से बताया कि एट द रेट का पोजीशन क्या है, फिर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा लेफ्ट का और बोलूंगा 6 माइनस 1 एक कुमार आ जाएगा, और अगेन मैं राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां लिखूंगा लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस 6 आ गया सर समझे? हाँ लेकिन सर उसको ड्रैग नहीं कर सकते ना अलग अलग, इसको नहीं कर सकते, ये जो फाइन का फॉर्मूला है ये अलग है, तो मर्ज कर दीजिए इसमें D10 के अंदर डाल दीजिए कॉपी पेस्ट, ये तो बताया था आपको ना सर। अब इसको डिलीट कर दीजिए, अब यहाँ पे और भी जितने नाम होंगे ड्रैग मारिए आ जाएगा, एरर आ रहा है यहाँ पे डालिए, जैसे कि मैंने डाल दिया सुजीत कुमार डॉट iptindia@gmail.com आ गया सर यहाँ पे। समझे? हाँ सर। तो सेपरेट करना आगे, अब ज्वाइन करने की बात है। जैसे मैंने यहाँ पे सुजीत और कुमार 2 अलग अलग सेल पे लिखे, तो यहाँ पे हम कॉनकैटेनेट फॉर्मूला लगाएंगे। एंड से भी हो जाएगा ना? इसको सिलेक्ट किए
कॉमा स्पेस दिए सेपरेटर, इसको सिलेक्ट कर लिया। और जैसे बताया आपने कि एन परसेंट से भी हो जाएगा, तो एन स्पेस अगेन एंड, इसको सिलेक्ट किया, हो गया सर। बताया था आपको कि नहीं बताया था ये? हाँ पता है, बताया था। नहीं आपको पता है या मैंने बताया था? नहीं नहीं आपने बताया था, आया था सर आपने। अच्छा टेक्स्ट जो मैं बता चुका हूँ ना, डेट कैसे ज्वाइन करना है पता है ना आपको? हेलो बता दीजिए सर, रिवीजन हो जाए। जैसे यहाँ पे डेट हमने लिख दी है ना, अब दोनों को ज्वाइन करेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम एंड, अगर मैं डेट ले लिया राइट, फिर अगेन यहाँ पे हम करते हैं स्पेस में टू एंड परसेंट, इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो नंबर में आता है। आ रहा है नंबर में? आसो। अब यहां हम टेक्स्ट का फॉर्मूला ले रहे हैं, तो इसके लिए आप डी डी एम 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 एंड वाई वाई कर सकते हैं। और यहां भी सेम टेक्स्ट कर सकते, आ गया रिजल्ट। हाँ सर। अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट के। जैसे कि हम बात करते हैं डॉलर की और फिक्स की, यहाँ पे नंबर लिखें, अब नंबर पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा क्या, जैसे यहाँ पे क्या, और कोई भी इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई ना करे, तो इसको हम डॉलर में लिख देंगे, तो रुपीज और जो आपका जो करेंसी साइन है वो आ जाएगा, जो डिफॉल्ट करेंसी है। आप करेंसी साइज नहीं चाहते हैं तो आप कर दीजिए फिक्स्ड। तो अब इसमें किसी भी तरह की परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, समझे? यस सर। उसी तरह से एग्जैक्ट, जैसे कि यहां पर राम है कैप लेटर में, यहां पर राम है, नॉर्मल लुकअप करते हैं कि ना राम इक्वल टू राम, तो ए ट्रू दिखाता है, लेकिन मैं चाहता हूं एग्जैक्ट मैच करे। तो एग्जैक्ट राम को सिलेक्ट किया, कॉमा इस राम को सिलेक्ट किया, फॉल्स आया। जब तक ये दोनों एग्जैक्ट नहीं होगा तब तक आपका ट्रू नहीं होगा। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला, समझे? फाइंड बता ही दिया मैंने, एक बता दिया, लेफ्ट बता दिया, लेफ्ट बता दिया, लोअर भी बताया था ना सर, लोअर अपर मीटर बताया था नहीं सर, लोअर। यहाँ पे मैंने लिखा सुजीत, इसको मैं इक्वल अपर करता हूँ तो अपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर करता हूँ तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्रॉपर करता हूं तो प्रॉपर में कन्वर्ट। प्रॉपर करते हैं तो फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा हर वर्ड का। तीन फॉर्मूले इसके थे आपके। नंबर वैल्यू, अगर किसी नंबर को अगर आपने डाल दिए हुए टेक्स्ट, आप यहां नंबर वैल्यू लगाइए और मैं कन्वर्ट कर रहा हूं प्लीज। इसको हम वैल्यू फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर बता दिया था, रिप्लेस बता दिया, इसके बाद इसमें आपका मैं
राइट फॉर्मूला बता ही दिया, सर्च और फाइंड दोनों एक ही है, ठीक है, सर्च और फाइंड एक ही जैसा है, सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड केस सेंसिटिव है, सब्स्टिट्यूट बता ही दिया टी। अब टी और एन फॉर्मूला दो फॉर्मूला सीख जाइए, जैसे हमने कुछ नंबर लिखा है और टेक्स्ट लिखा है, नंबर है टेक्स्ट है, नंबर है टेक्स्ट है, तो टी फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ टेक्स्ट को रिटर्न करेगा, नंबर को कर देगा ब्लैंक, सिर्फ टेक्स्ट को रिटर्न करेगा, नंबर को कर देगा ब्लैंक। और इसी के जस्ट अपोजिट में एन फॉर्मूला है जो सिर्फ नंबर को शो करेगा, टेक्स्ट को कर देगा जीरो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बाकी टेक्स्ट फॉर्मूला बता ही दिया, टेक्स्ट ज्वाइन भी बता दिया, ट्रिम भी बता दिया, एक कैर एंड कोड फॉर्मूला वही आपका सेम है, वही आपका आता है वैल्यू टू टेक्स्ट, मतलब कि आपने यहाँ पे नंबर को टेक्स्ट किया, टेक्स्ट को नंबर किया, वापस यहाँ पे वैल्यू टू टेक्स्ट करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, समझे। तो लॉजिकल टेक्स्ट कैटेगरी फॉर्मूला सारे कवर कर दिए, राइट, आप अपने एंड से सारा देख लीजिएगा। और इसमें एक रेफ फॉर्मूला है जो कि मैंने नहीं कराया, मैं करा रहा हूं क्योंकि इस पे रिसर्च देने वाला हूं। रेफ फॉर्मूला क्या करता है, रिपीट करता है, जैसे कि मैंने रेफ का फॉर्मूला लगाया और रेफ फॉर्मूले में हमने बोल दिया यहाँ पे कि भाई इसको 5 बार रिपीट कर दे तो ये 5 दिख जाएगा, लिख गया 5। तो किसी भी वर्ड करेक्टर सेल वैल्यू को जितना मर्जी उतना बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया जी, क्लास में तो रैप फॉर्मूला समझ में आया प्रशंसा जी, हेलो, यस सर, तो मुझे बताना है कि भाई इसका हम शुरू क्या करेंगे, ऑफिस के अंदर में क्या करेंगे, क्या बेनिफिट क्या होगा, समझ में आया आपको की बात की नहीं। हो जाएगा आप लोगों से कि नहीं, कोशिश करेंगे सर, क्या करना है सर। हेलो हेलो, रैप फॉर्मूला का काम पर बताना है कि ऑफिस में आकर हम इसका यूज क्या करें, हमें किस तरह के बेनिफिट होगा, क्या है बेनिफिट, क्या है इसका, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, करते हैं रिसर्च इसके ऊपर। जी जी ओके सर, थैंक यू।